मगर फिर मैं आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है। सड़क दुर्घटना में दो वाहनों की टक्कर से लोगों की मृत्यु हो जाती है या फिर दुर्घटना में घायल हो जाते हैं। परंतु भागलपुर में कई बार पेड़ की सूखी बड़ी डाली गिरने से कई बार लोगों की जानें चली गई है। कचहरी कैंपस में भी ऐसी घटना दो तीन बार हो चुकी है। ताज़ा मामला भागलपुर पुलिस लाइन का है। भागलपुर पुलिस लाइन गेट के ठीक सामने विशाल वृक्षों से एक बड़ी सूखी डाली बीच रोड पर अचानक गिरा, लोग बाल बाल बच गए। आपको बताते चले कि यह रास्ता काफी सघन आबादी वाला है। इस रास्ते पर आवाजाही हर हमेशा होता रहता है। घटनाक्रम में एक व्यक्ति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस तरह की घटना कई बार हो चुकी है, फिर भी प्रशासन व वन विभाग इस पर संज्ञान नहीं लेती है। अभी भी सघन आबादी वाले सड़क पर कई ऐसे पेड़ हैं जिसकी सूखी डाली कब गिर जाए और कब बड़ी घटना को अंजाम दे जाए कहना मुश्किल है। फिर भी वन विभाग इस पर विशेष पहल नहीं कर रही है। अब देखना यह है कि आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, इस पर प्रशासन व वन विभाग क्या कार्रवाई करती है। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। अभी मैं इस रास्ते से क्रॉस कर रहा था। मैं तिलकामांझी लालबाग विशाल मेगा मॉल के पास रहता हूं। वहां से अभी मैं कचहरी चौक जा रहा था। इसी दरमियान मुझे लगा कि मतलब गाछ से कुछ चरचराहट की आवाज़ आ रही है। तब तक एक मोटरसाइकिल वाला तेज़ी से निकल गया। अब मैं जब क्रॉस करना चाहा तो तब तक बीच में ही एक मतलब मैं बाल बाल बच गया। और ये पूरा जो है सो इसकी लापरवाही, वन विभाग की लापरवाही दिखती है, यहाँ के प्रशासन की लापरवाही दिखती है कि इतने इतने जान माल की क्षति होते हुए भी वन विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। पहले भी घटना हो चुकी है, कई बार घटना हो चुकी है। कचहरी कैंपस में घटना हो चुकी है, वहाँ पर दो तीन लोग शायद मर भी चुके हैं। इसके पहले मनाली में भी घटना हो चुकी है। तो इस सूखे डाल के कारण, इस वृक्ष के कारण कितनी बार घटना हो गई है। तो ध्यान देता है पर नहीं, कोई ध्यान ही नहीं है। लोगों के जीवन से प्रशासन को क्या मतलब है, विभाग को क्या मतलब है। किसका जान जाता है वो उसका जान जाए। विभाग अपना कान में तेल देके सोई भी रहती है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुमार विक्रम हुआ।